सो है गाइज, वेलकम टू द चैनल विजडम सीए। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईटीएसएस के बारे में। तो आईसीआईटीएसएस के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में कि आईसीआईटीएसएस क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फ़ी क्या होती है, ड्रेस कोड क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सारी डिटेल्स में हम बात करने जाएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जो आईसीआईटीएसएस कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप सीए में एडमिशन लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट एंट्री स्कीम से अगर आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपको एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आईसीआईटीएसएस में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आपको आईसीआईटीएसएस करनी होती है, उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 10+2 पास करके मीन्स सीए फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन रूट से आपको पहले आईपीसीसी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप क्लियर करना होता है। उसके बाद जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करना शुरू करेंगे, जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आर्टिकलशिप के स्टार्ट करने से पहले आपको ये आईसीआईटीएसएस कंप्लीट करना होता है। अब जो इसके ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आपकी देखिए, यहाँ पे 6 घंटे पर डे 6 आवर्स का होता है, और यहाँ पे 15 डेज का एक टोटल आपका कोर्स चलता है। मतलब द क्लासेस आर शेड्यूल फॉर मिनिमम 6 आवर्स पर डे एंड 15 वर्किंग डेज। तो 15 दिन का ये कोर्स है, और 6 आवर पर डे आपको सेंटर पे जाकर के ये कोर्स करना होता है। फ़ी जो है इसकी 6500 है। सो यहाँ पे आपके लिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या क्या उसमें पढ़ाए जाते हैं, ये टॉपिक्स है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो टॉपिक्स हैं आईसीआईटीएसएस के, पहला है आपका ई लर्निंग में कंप्यूटर फंडामेंटल है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन सीबीएस है, देन एमएस वर्ड है, देन उसके बाद एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल काफ़ी अच्छे लेवल तक है, पावर पॉइंट भी है, पावर पॉइंट के बाद एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस आपको नियरली बेसिक सिखाया जाता है। देन यहाँ पे कैट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैट है, डेटा एनालिसिस है, देन उसके बाद एडवांस एनालिटिक यूजिंग आइडियाज। सो इसके बाद अकाउंटिंग पैकेज आपको टैली भी सिखाया जाएगा। एक्चुअली इसमें जो कैट है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कुछ आपको जो ऑडिट टेक्निक्स हैं, ऑडिट टेक्निक्स के बारे में आपको इसमें सिखाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो कैट अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इस कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो आईटीटी था, तो आईटीटी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी एक्सेप्ट कैट। तो आईसीआईटीएसएस में केवल एक ये नया कोर्स आ चुका है। उसके बाद हम बात करें आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स में यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इसका 10 आवर्स का है, ई लर्निंग, उसके बाद एमएस वर्ड आपको जो सिखाया जाएगा 6 घंटे में, एक्सेल के लिए 30 आवर्स है, उसके बाद पावर पॉइंट के लिए 12 आवर्स, उसके बाद डेटाबेस के लिए यहाँ पे एमएस एक्सेस के लिए यहाँ पे 6 आवर्स, कैट के लिए 18 आवर्स, एंड अकाउंटिंग पैकेजेस मतलब टैली ईआरपी के लिए 18 आवर्स। ड्रेस कोड आपका जो है एकदम आपको फॉर्मल में पहन करके जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जीन्स टी शर्ट पहन करके चले जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ड्रेस कोड है फॉर्मल में पहन करके जाना होता है, नॉर्मल कपड़े और उसके बाद ब्लैक शू आपको ऐसे करके पहन के जाना होता है ड्रेस कोड। क्योंकि यहाँ पे अब जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी नोटिस बोर्ड एक चिपकाया होता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या पहन करके जाना है। तो ये नोटिस बोर्ड पे आपको क्लियरली लिखा होता है कि आपको फॉर्मल में ही पहन के आना है कपड़े। उसके बाद जो ट्रेनिंग्स हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए चीज़ें हैं, यहाँ पे जो ट्रेनिंग है रीजनल ऑफिस में ही होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ अटेंडेंस बताता हूँ, अटेंडेंस जो है यहाँ पे 90% रिक्वायर्ड है। अगर आप 90% आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि 90% मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब जो टेस्ट हैं, इसमें टेस्ट की हम बात करें, अच्छा जो ये मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मतलब सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। प्लस कुछ आपको हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मतलब पहले आईटीटी में कैसे क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि जो कैट ही एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आईटीटी पहले जो हुआ करती थी, तो आईटीटी में सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल थे जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, केवल कैट को छोड़ करके सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल थे। तो आईटीटी के वो क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली ये आईसीआईटीएसएस के क्वेश्चंस नहीं है, आईटीटी के क्वेश्चंस हैं, बट उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो वो आप एक बार देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, पीडीएफ आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप एक बार देख सकते हैं। अब जो टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे पहले आपको, मतलब ईच में आपको 50% गेन करना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपको 2 टेस्ट होंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर किसी भी टेस्ट में कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है, तो वो रीअपियर के लिए फर्स्ट टाइम ये रीअपियर हो सकता है। उसके बाद अगर फिर से अगर फेल कोई अगर स्टूडेंट हो जाता है, रीअपियर होने के लिए 150 रुपीज़ उसकी फ़ी पे करनी होती है।
तो आपको एक बार चांस मिलता है टेस्ट क्लियर करने के लिए, मतलब पहली बार आप एग्ज़ाम देंगे, इन केस अगर क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद एक बार और आपको चांस मिलता है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट उसमें अपियर होकर के क्लियर नहीं कर पाता है तो उसके बाद 150 रुपीज़ पर टेस्ट आपको देनी होती है। जो इस टेस्ट का वेटेज होता है वो 20% का होता है, मतलब एग्रीगेट जो ऑल ओवर होता है तो ऑल ओवर में ये 20% का इसका वेटेज होता है। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट सबमिट जो करना होगा वो आपको सेंटर पे ही बताया जाएगा कि किसके बारे में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सो जो प्रोजेक्ट है इसका भी 20% मार्क्स होता है। इसके बाद जो फाइनल एग्जामिनेशन है तो फाइनल एग्जामिनेशन एक आपको देना पड़ेगा। सो फाइनल एग्जामिनेशन की जो डेट है वो ICAI के थ्रू निकाली जाती है कि इस डेट में आपकी फाइनल एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है तो 90% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोनों टेस्ट जो मैंने आपको बताया है जिसमें 50-50% रिक्वायर्ड है, वो दोनों टेस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी आपने सबमिट कर दिया हो, उसके बाद जो आपने पेमेंट कर रखी है वो भी आपने फुल पेमेंट मीन्स 6500 रुपीज़ जो करंट की डेट में पेमेंट है, तो ये चारों के चारों जैसे ही आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर दी तो आप हो जाते हैं एलिजिबल फाइनल कोर्स के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपका डेट आ जाता है और आप जा करके फाइनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो पासिंग रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे देखिए जो 2 मॉड्यूल्स हैं उसकी 20% वेटेज होती है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का 20% और फाइनल एग्जामिनेशन का 60%। तो यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है कि उसने 60% मार्क, क्योंकि ये जो 60% मार्क्स हैं ये एग्रीगेट होना रिक्वायर्ड होता है पास होने के लिए, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि फाइनल एग्जामिनेशन में 60% से उसके कम आए तो वो एक बार फिर से रीअपियर हो सकता है। एक बार ही नहीं बल्कि यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स तक रीअपियरिंग के चांसेस हैं, मतलब ये रीअपियर 3 अटेम्प्ट्स तक हो सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रीअपियर हो सकते हैं। इन केस अगर 3 अटेम्प्ट भी निकल जाते हैं तो वहाँ पे जो नॉमिनल फ़ी होती है 300 रुपीज़ की फ़ी होती है। तो इस तरीके से फाइनल एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, और ये फाइनल एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे आपको जो घंटे मिलते हैं 3 घंटे मिलते हैं, 200 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपको सेंटर पे जा करके देना होगा, जो ITT सेंटर है वहाँ पे आपको जा करके देना होगा। इसके बाद आपको ICITSS की सर्टिफिकेट मिल जाती है, मतलब जैसे ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, आपको अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पे टॉप राइट में आप आई बटन पे जाकर के क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको अगर ICITSS में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंसेशंस भी हैं और ये कंसेशंस हैं उन लोगों के लिए जो कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे इनके लिए कंसेशन क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब जो आप एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए, एग्जामिनेशंस मतलब अटेंड करना क्लासेस एग्जेम्प्ट होती हैं। यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं, द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडरगोइंग द कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड बाय द रीजनल ऑफिस। तो ये जो इनके लिए कोर्स है ये एग्जेम्प्ट होता है, मतलब एग्जेम्प्ट इन द सेंस कि यहाँ पे आपको जा कर के एग्जामिनेशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बार बार जा कर के आपको कोर्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ दो एग्जामिनेशंस आपको देने होंगे। अब यहाँ पे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कि उनको ऐसी ऐसी दिक्कत है, और वो यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। देन यहाँ पे आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा डिफरेंटली एबल्ड है तो। देन द डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस शैल प्रोवाइड देम ए सेट ऑफ कोर्स मटेरियल ऑन रजिस्ट्रेशन। तो वैसे सभी को ये प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको ICITSS की भी मटेरियल साथ में प्रोवाइड की जाती हैं, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट हैं जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हैं तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं 15 डेज तक, उसके बाद चाहें तो टेस्ट पेपर्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाया था हूँ, सिंस द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 15 डेज ए डिफरेंटली एबल स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सेल्फ स्टडी सच कोर्स मटेरियल फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज। तो मतलब मिनिमम पीरियड है ये, मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज, कम से कम उनको 15 डेज की स्टडी करनी होगी। देयर फोर ही कैन सेंड ए रिक्वेस्ट टू द डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस फॉर 2 स्पेशली डिजाइन टेस्ट पेपर एंड ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट हिज शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ दिस टेस्ट पेपर। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको जो है जो टेस्ट पेपर है कब सबमिट करना होता है,
ये आईसीआई के थ्रू आप उनको सबमिट आईसीआई को एक बार बता करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, ये सारी की सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। जो आपको रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है icionlineregistration.org, ये वाला पोर्टल है, तो इस पोर्टल पे जा करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फी भी आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ICITSS कोर्स के बारे में। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज़रूर जा करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।